पानी ने उसकी रक्षा नहीं की। जिवें मच्छी का जीवन पानी है, इस तरह गुरसिख का जिहड़ा जीवन है वो गुरबाणी है। मच्छी पानी तो बगैर जीवदी नहीं रह सकती, गुरसिख गुरु तो बगैर गुरबाणी तो बगैर नहीं जीवदा रह सकता। जिवें संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्हां दा बाणी दा इन्ना अभ्यास सी, हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच थां थां ते 150-250 विद्यार्थी नाल लैके नाले गुरसिखां नूं संथिया करवाउंदे सन गुरबाणी दी होर ग्रंथां दी, नाले गुरु नानक दा जस गुरबाणी दा प्रचार करदे हन, अमृत छकाउंदे सन। कई बारी सुते पै गुरबाणी पढ़ी जांदे सन, जिहड़े नाल विद्यार्थी सन संथिया करदे उन्हां नूं शंका हो जांदी सी कि बाबा जी किन्ना किन्ना चिर सुते पै बाणी पढ़ी जांदे हन, अद्धा अद्धा घंटा, किते बाणी गलत तां नहीं पढ़दे। सिंघ पोथियां प्रकाश करके वेखदे सन, हैरान रह जांदे सन, एक भी सिहारी बिहारी कन्ना गलत नहीं सी हुंदा, शुद्ध बाणी पढ़दे सन, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी उह बाणी बन चुकिया सी। जिवें मच्छी दा जीवन पाणी, गुरसिख दा जीवन बाणी। ते सतगुरु जी फरमान करदे हन, बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो, कमल हेत बिन स्यो है भवरा, उन मार्ग निकस ना पायो, कमल हेत बिन स्यो है भवरा, कौल फुल कबल फुल की सुगंधी दे प्रेम करके भौरा नास हो जाता है, उन मार्ग निकस न पायो, क्योंकि उसने कमल फुल विचों निकलने का रस्ता नहीं पाया, भाव कमल फुल दे विच सुगंधी लैण वास्ते भौरे ने अपनियां नासां कमल फुल दे विच लपेट के रखियां। शाम नूं सूरज छिपिया, भौरे दियां कमल दे फुल दियां पत्तियां कट्ठियां होईयां, भौरा विच बंद हो गया। सूरज चढ़न तों पहलां पहलां ही मिचे होए फुल्लां नूं मालियां ने तोड़ लिया, ते भौरे ने रस्ता निकलन ना पाया। फुल्लां दे नाल तेल दे विच काढ़िया गया, जिथे फुल्लां दा अर्क निकलिया नाल ही भौरे दा भी निकल गया। इसे प्रकार जिन्हां ने शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयां विच चित लाया है वह दुखी होणगे। अब मन एकस स्यों मोह कीना, ते सतगुरु जी फरमान करते हैं, अब मन एकस स्यों मोह कीना, कि हे भाई हुण असीं तां अपने चित विच एक वाहिगुरु नाल ही प्रेम कीता है, मरे न जावै सद ही संगे, सतगुर शब्दी चीना रहाओ, मरे न जावे सद ही संगे, जो परमेश्वर ना तां मौत दे वस पैंदा है ते ना ही किते विछड़ के जांदा है, हमेशा अंग संगे संग ही रहिंदा है,
सतगुर शब्दी चीना रहा। जो सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी के शब्द उपदेश द्वारा असी जानिया है, सतगुरु जी प्रमाण कर दे, काम हित कुंचर लै फांकियो ओह परवस भयो बिचारा। काम हित कुंचर लै फांकियो, काम दे विच प्रेम करके हाथी ने कुंचर हाथी नूं कहिंदे ने, हाथी ने अपने आप नूं लैके टोए विच फसा लिया। ओ परवस भयो बिचारा, ओ बिचारा हाथी कैदी होके पराए अधीन हो गया। नाद हित सिर डार्यो कुरंका, उस ही हित बेदारा। नाद हित सिर डार्यो कुरंका, कंडे हेड़े दा नाद शब्द सुन के सुन वास्ते मोह विच कुरंका तो भाव है हरन। हरन ने आप दे सिर नूं शिकारियां तों कटा के सुट लिया, भाव थले डिग पिया, शिकारियां दा शिकार हो गया। उस ही हेत बिदारा, उस घंडे हेड़े दे शब्द सुनने दे प्रेम विच ही हरन मारिया गया, कटिया गया। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया कहो लपटाना। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, इसे प्रकार कुटंब स्त्री तो वधे परिवार नूं वेख के जीव भोगां दे लालच विच मोहया गया है। माया कहो लपटाना, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਤਰ ਚਿਓ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ, ਉਨ ਛੋਟ ਸਰਾ ਪਰ ਜਾਨਾ। ਆਤਰ ਚਿਓ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅਤਿਅੰਤ रच रहा है, फसया होया है। इस जीव ने तो सब कुछ अपना ही कर लिया है, भाव अपनी ही मेर कर ली है। उन छोट सरा पर जाना, पर जदो काल आ गया तो उन पदार्थां नूं छड़ के जीव ने जरूर बार जरूर चले ही जाना है। इसे शब्द नाल ढुकदा शब्द भगत रविदास जी ने भी उच्चारण किया है। भगत रविदास जी एक बारी जंगल दे विच परमेश्वर की बंदगी कर रहे सन। एकांत विच कोल जंगल दे जीव हिरन वगैरा होर जानवर कलोलां कर रहे सन। एक हरनी जो हरियां गूरियां चुग रही सी, एक शिकारी ने आण के भगत रविदास जी तो थोड़ा जिहा दूर घंडे हेड़े दा शब्द वजाया। हुण घंडे हेड़े दे शब्द दे उत्ते जिहड़ा हरन ਇਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਰਨੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਛੂਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ,
नची टपी पर साध संग जी वह शिकारी पापी के पंजे विच बच नहीं सकी, निकल नहीं सकी। अखीर उस हरनी ने शिकारी के अगे तरला मारिया, ऐ शिकारी मेरे छोटे छोटे दो बच्चे दुध पीण नूं मैनू उड़ीक रहे होणगे, भुखे मेरा रस्ता वेख रहे होणगे, ते तू मैनू पकड़ लिया है। इस वास्ते वो बच्चियां दा खुदा दा वास्ता मैनू दो घड़ियां वास्ते छड़ दे, मैं अपने बच्चियां नू एक बारी दुध पिया के तृप्त करके तेरे कोल आ जावांगी, फिर तू अपनी मर्जी नाल जिवें मर्जी मेरे मास नू वरत लवीं। जदों शिकारी ने यह सुनिया, बच्चियां दा वास्ता पाया, खुदा दा वास्ता पाया, थोड़ा जिहा उहदा मन नरम होया, कहण लगा वह तो ठीक है, पर जिन्हों पता हो मेरी मौत आनी है तो वह फिर दोबारा किवें आएगा, इस वास्ते कोई जामन दे, उहदी जामनी ते मैं तैनूं छड्ड सकदा हां। ये शिकारी अते हरनी की गलबात संवाद भगत रविदास जी सुन रहे सन। भगत रविदास जी अपने आसन तो उठे, शिकारी दे कोल आण के कहण लगे, ऐ शिकारी इस हरनी की असीं जामनी देंदे, जे हरनी अपने बच्चियां नूं दुध पिया के वापस ना आई इहदे मास दे बराबर मेरे तों मुल लै लो। भगत जी की जामनी ते शिकारी ने हरनी नूं छड्ड दिता। हरनी छालां मारदी अपने बच्चियां कोल आई, बच्चे पहलों उड़ीक रहे सन। जदों साध संगत बच्चियां ने हरनी वेखी छालां मारन लग पई। जदों माता पिता साध संगत जी बाहरों आउंदे हन, बच्चियां नूं खुशी किन्नी हुंदी है, आपां सारी गृहस्थी हाँ। हरनी दे बच्चियां नूं बड़ी खुशी होई, हरनी दे बच्चियां ने हरनी दा दुध चुंघिया, दुध चुंघ के तृप्त हो गए। जदों हरनी ने वेख्या भी मेरे बच्चे हुण बड़े प्रसन्न हन, तृप्त हो गए हन, कहण लगी, ऐ बच्चियो मैं तुहाडे आखरी दर्शन करन वास्ते आई हाँ। मैनू जंगल दे विच इक शिकारी ने फड़िया है। भगत रविदास जी की जामनी ते मैं आई हाँ दो घड़ियां वास्ते, हुण तुहा मेरी उम्र भी तुहानू लग जावे, तुसी सदा जिउंदे रहो ते मैनू आग्या दिओ कि मैं जावां। हरनी अपने बच्चियां नूं कहण लगी, मौत मामला नित दा थिर रहे ना कोई, आवा गाउण जहान ते हर गिजनी ढोई, चिंता करिए उस दी जो कदे ना होई, नदी किनारे रुखड़ा करती खलोई। जदों साध संगत जी हरनी ने इउं करके अपने बच्चियां नूं कहा ते बच्चे अपने मां दे विछोड़े विच मां नालों मरन नूं पहलों तैयार हो, बच्चे कहण लगे, माता तेरे तो बगैर साडी कदी जिंदगी है, असीं तां इह खुदा अगे दुआ करते हाँ, प्रार्थना करते हाँ कि बच्चियां दे माता पिता मां कदे भी ना मरे, क्योंकि माता पिता तो बगैर गलियां दे कख भी फनी और सब बन के डंगण आउंदे हन। माता पिता तो बगैर बच्चियां दा कदा जीवन है, इस वास्ते असीं भी तेरे नाल चलदे हाँ। हो सकता है किसी दूसरे जन्म दे विच फिर कट्ठे जन्म लै के सुख लै लईए, तेरे तो बगैर सानूं कदा सुख मिलना है। इउं करके साध संगत जी हरनी अते उहदे दोवें बच्चे
सलाह करके। जदों साध संगत जी उत्थे पहुंचे जिथे शिकारी ते भगत रविदास जी उड़ीक कर रहे सन, हुण हरनी दे नाल हरनी दे बच्चे वेख के उह शिकारी जिहदा नां हीरू नाम सी, उहदा हीरू शिकारी दे मन दे उत्ते दया आई। बच्चे वेख के बच्चे किस दे भी होण, साध संगत जी उहनां नूं वेख के जिहड़ा मन दे उत्ते असर हुंदा है, मन निर्मल होया भी हरनी कल्ली नहीं आई, बच्चे भी नाल आए हन। जदों शिकारी दा मन थोड़ा जिहा निर्मल होया, भगत रविदास जी जाणी जाण सन, उन्होंने विचार की भी हुण इहदे मन दे उत्ते असर होवेगा। उस समय शिकारी दे प्रथाए भगत रविदास जी ने इस शब्द दे नाल रलदा मिलदा शब्द उच्चारण किया। भगत जी फरमान करते हैं, मिर्ग मीन भरेंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जाम है ताकि केतकास। जिहदा भाव सी भी मिर्ग नूं हरनी नूं कन्ना दा रोग है, विशा है। जदों शिकारी घंटे हेड़े दा शब्द वजाउंदा है ते मिर्ग ये उहदे शब्द उत्ते मोहित होके शिकारी दे वस पै जांदा है, गुलाम बन जांदा है, इहदी मौत दा कारण बन जांदा है। मीन मछी नूं जीभ दा रोग है, जीभा दा स्वाद है। शिकारी लोग कुंडी नूं मास जां आटा ला के पानी विच छड़दे हन ते मछी जीभ दे स्वाद वास्ते उह मास जां आटे नूं मूंह विच पा के जदों खाण दी कोशिश करदी है, खिंचदी है ते शिकारी कुंडी खिंच लैंदे हन, उह कुंडी उहदे मूंह विच फस जांदी है ते नाल ही मछी बाहर आ जांदी है, उहदी मौत दा कारण बण गई। इसे तरह भौरा भरेंग भौरे नूं साध संगत जी नासकां दा रोग है, सुगंधी लैंदा लैंदा रजदा ही नहीं, माली लोग तोड़ के फुल लै जांदे हन ते जिथे फुलां दा अर्क करदे हन भौरे दा भी नाल निकल जांदा है, उहदी मौत दा कारण बन गया। चौथा पतंग, पतंगा दूर तो वेखदा है दीवे दी लाट, दूर तो उच्चियां नीवियां उडारियां मारदा होया दीवे दी लाट ते आ जांदा है ते दीवा उहदे खंभ साड़ दिंदा है, तड़फ तड़फ के पतंगा मर जांदा है, क्योंकि एक पक्षी प्रीति है ना, दीवा तां पतंगे नूं प्यार नहीं करदा। ते पंजवां भगत जी कहिंदे कुंचर हाथी, महावत लोग डूंगा टोया पुट के जंगल दे विच उहदे उत्ते कागजां दी हथनी बना के रख दिंदे हन। हाथी दूरों वेखदा है ते स्पर्श करन वास्ते काम दा सताया होया जदों हथनी दे कोल आउंदा टोए विच डिग पैंदा, टोया डूंगा हुंदा है निकल सकदा नहीं। फिर कई कई महीने महावत लोग टोए विच उहनूं भुखा ध्याया रख के कमजोर करके अपनी बोली सिखा के अपने वस करके फिर टोए विचों कढ़दे हन। फिर जां तां आपां देखदे हां नगरां शहरां विच हाथी लई फिरदे हन, अपने मंगण दा गुजारे दा साधन बना लैंदे हन गुलाम बना के, जां फिर राजे लोकां नूं वेच के पैसे वटदे हन। हुण साध संगत जी भगत जी कहिंदे ऐ गुरमुखा, मिर्ग मीन भरेंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां पंजां दे विच तां एक एक विशा सी, एक एक रोग सी, उह इन्हां दी मौत दा कारण गुलामी दा कारण बन गया। पंच दोख असाध जामै
ताकि किस इस मनुख दे विच इह पंजे ही साध संग जी पंजे ही इहदे विच हन। इस मनुख नूं साध संग जी कन्नां दा भी विशा है जिवें मिर्ग नूं सी। इहने कन्नां दे नाल पराई निंदिया सुननी है, गंदे गीत सुनने हन, झूठ सुनना है। पर सतगुरु जी कहिंदे इह सर्वनो मेरियो सच है सुनने नूं बिठाए। कहिंदे सच सुनने वास्ते, नाम सुनने वास्ते, बाणी सुनने वास्ते, कीर्तन सुनने वास्ते, गुरु दा जस सुनने वास्ते लाए सन। पर इह सारा दिन कच पिच झूठ मूठ सुनदा है। फिर साध संग जी जिवें मच्छी नूं जीभ दा सवाद सी, जीभ दा रोग सी, इह मनुख नूं जीभ दा रोग है। वाहिगुरु परमेश्वर ने इहदे वास्ते केड़ी चीज़ जिहड़ी नहीं बनाई। दुकानां भरियां पईआं हन पदार्थां नाल, फल फरूटां दे नाल। उहनूं छड के साध संगत जी तंबाकू चबदे हन, मांस खांदे हन, जिहड़ा इहदा खाजा नहीं। नशे करने इह कोई इहनां दे खाजा थोड़ा है मनुख दा। इहनूं जीभ दा वी रोग है। भौरा भौरे नूं साध संग जी नासकां दा रोग ही, इह वी थां थां ते सुगंधियां लैंदा फिरदा है, कदी इत्थे कदे किते। इहनूं सबर संतोख ही नहीं। फिर साध संग जी पतंगा, जिहनूं नेत्रां दा रोग सी। भावें साध संग जी ग्रिस्ती है, भावें विहंगम है, इह मनुख साध संग जी पराईआं इस्त्रियां दे रूप वेख वेख के बड़ा खुश हुंदा है। इहनूं नेत्रां दा वी रोग है, नासकां दा वी रोग है। ते पंजवां जिवें हाथी नूं काम दा रोग सी, सारी उम्र वास्ते गुलाम हो गया। सब तों ज्यादा वड्डा कामी मनुख है साध संगत जी। होर जानवर तां बच्चे वास्ते ग्रस्त करदे हन, ते इहनूं तां सबर संतोख ही नहीं साध संगत जी। इस वास्ते भगत जी कहिंदे ऐ गुरमुखा, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। एक एक रोग उहनां दे मौत दा कारण बन गया, गुलामी दा कारण बन गया। पंच दोख असाध जाम है ताकि केतकास। जिहदे विच पंजे ही हन उहदे बचण दी की आस है। सो इसे तरह सतगुरु जी फरमान करदे हन, देख कुटुंब मोहे, देख कुटुंब लोभ मोहे प्राणी, माया को लपटाना। जदों साध संग जी इह शब्द भगत रविदास जी ने उस हीरू नामे शिकारी दे प्रथाए उचारण कीता, हुण उहदा मन निर्मल होया सी। ते भगत जी दे साध संग जी कमाए होए बोल, अमोलक बोल कहा कर गए। जिवें राड़े वाले महापुरख बाबा ईश्वर सिंह जी सुनाया करदे सन वी जदों शिकारी तीर चलाउंदा है, जे अगे नरम जगह होवे तीर घा कर जांदा, जख्म कर जांदा है। ते जे अगे पत्थर होवे निशाने ते वजदा जरूर है, पर कोई असर नहीं करदा। हुण असीं रोज बाणी पढ़दे हाँ, सुणदे हाँ, साडे ते असर क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि साडे जिहड़े मन हन उह अनभिज पत्थर बन चुके हन। साचा सतगुरु क्या करे, जाओ सिखां में चूक, अंधे एक ना लागे जो बांस बजाइए फूक। बाणी सुनदे हाँ, पढ़दे हाँ, पर बाणी असर नहीं कर रही, क्योंकि साडे मन जिहड़े हन पत्थर हो चुके हन, जन्मां जन्मांतरां दी पापां रूपी मैल दे नाल। ते जिन्हां दे साध सहि मन निर्मल हन उन्हां उत्ते बाणी असर करदी है। हुण शिकारी दा मन निर्मल होया सी, दया विच सी, भगत जी दे बोल कहा करके असर कर गया। उसे वेले साध संग जी भगत जी दे बोल सुन के शिकारी ने अपना जिन्ना समान सी उहदे कोल सारा भन तोड़ के परे वगा के मारिया। भगत रविदास जी दे चरण फड़ ले, भगत जी मैं बड़ा गुनाही हाँ, पापी हाँ, अपराधी हाँ, हुण तक पाप ही कीते हन, मैनू बख्श लो। ते साध संग जी भगत रविदास जी ने उहनूं अपना सिख बनाया, नाम जपण दी युक्ति दसी।
इधर साहब संगत जी हरनी दे बच्चियां नूं भगत रुदास जी ने आजाद कराया शिकारी तो। हरनी अते हरनी दे बच्चे भगत रुदास जी दा शुकराना करदे होए अपने टिकाणे दे साथ छालां मारदे चले गए। ये सब तो पहलों सिख जिहड़ा हीरू नामी शिकारी भगत रुदास जी का बनिया। तो सतगुरु जी फरमान करते हैं अत रचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओह जान हो सदा दुहेला। बिन गोबिंद अवर संग नेहा इस करके हे भाई जेड़ा परमेश्वर तो बगैर होर नाल प्रेम करना है वो जानो सदा दुहेला। उसनू हमेशा दुहेला तो भाव है कि दुखदायक ही जानो जेड़ा परमेश्वर नू छड़ के होर देवी देवी देवत्या नाल होर नाल प्रेम करना है। कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सद केला। कहो नानक गुर एह बजायो। सतगुरु जी कथन करते हैं कि ये सानू सतगुरु रामदास जी महाराज जी ने उपदेश द्वारा समझा दिता है। प्रीत प्रभु सद केला कि वाहिगुरु नाल प्रीति करन वाले नू हमेशा ही केला तो भाव आनंद बनया रहिंदा है। तनासरी महला पंजवा कर किरपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए। कर किरपा दियो मोहे नामा सतगुरां ने किरपा मेहर की दृष्टि करके मैनू अमृत नाम बख्श दिता है बंधन ते छुटकाए अते जमन मरन दे करता भोगता दे करमा धर्मा दे आदि सारियां बंधना तो छुड़ा लिया है। मन ते बिसरियो सगलो धंदा गुर की चरनी लाए। मन ते बिनसियो सगलो धंदा सारे धंदियां दा समुदाय मन तो महाराज की कृपा करके विसर गया है गुर की चरनी लाए। क्योंकि परमेश्वर ने पूर्वले पुन्ना दे प्रेरे होए ने सानू सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी के चरणी चरणा विच ला दिता है। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी सत संग दे नाल मिलके संसार दी अनहोए परिवार दी देह दी बेगानी चिंता छड़ दित्ती है। अहंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाड़ी रहा। अहंग बुद्ध मोह मन बासन हंकार वाली मत बुद्धि संबंधियां दा मोह ते मन दियां सुत बित लोग ईखणा तीनी वाशना नूं देकर गढ़ा गाड़ी विचार रूपी टूआ पुट करके उहदे विच पाके उत्ते विराग रूपी मिट्टी पाके दब दिता है। ना को मेरा दुश्मन रहिया ना हम किसके बैराई। ना को मेरा दुश्मन रहिया हुण गुरां दी साध संगत की कृपा करके साढ़े निश्चे विच
ना कोई साडा दुश्मन वैरी रहा है, ना हम किसके बैराई, अते ना ही असी किसे दे ताई वैर करन वाले हां। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर, सतगुर ते सोझी पाई। ब्रह्म पसार पसारे ओ पीतर, परमेश्वर ने ही संसार का खलारा किया होया है, ते सारा पसारा पसरिया होया परपंच ब्रह्म विच मिलिया होया है। जिस व्यापक परमेश्वर ने जगत पसारे नूं पसारिया है, उसनूं हिरदे विच सारिया विच निश्चय किया है, सतगुर ते सोझी पाई। पर यह सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी तो ज्ञात सोझी पाउणा कीती है, इस करके सतगुरु जी कहिंदे सब को मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन। सब को मीत हम अपन कीना, हे भाई असी तां सारियां नूं अपने मित्र बनाउणा कीता है। हम सबना के साजन, असी सारियां दे सज्जन प्यारे बन गए हां। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। दूर परायो मन का बिरहा, जद मन दा परमेश्वर नालों विछोड़ा पाउण वाले विषयां दा हंगता ममता दा समुदाय दूर हो गया, ता मेल कियो मेरे राजन। तदों साडे प्रकाश रूप परमेश्वर वाहिगुरु ने साडा मिलाप अपने विच कीता, भाव एकता बख्शना कीती। बिनसियो ढीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा। शब्द लगो गुर मीठा, जदों सतगुरां दा शब्द उपदेश मन नूं प्यारा लग्या, बिन से ढीठा अमृत मुठा, ता ढीठपना भाव कठोरताई वाला सुभा नाश हो गया, अते अंतःकरण विच अमृत नाम वस गया। जल थल मही अल सर्ब निवासी, नानक रमैया ढीठा। जल थल मही अल सर्ब निवासी, जो परमेश्वर पानी वालियां थावां थल खुशक थावां मही अल विच धरती ते आकाश विच सारियां थावां विच निवास कर रहा है, नानक रमैया ढीठा। सतगुरु जी कथन करते हैं कि उस सर्वव्यापक परमेश्वर नूं सख्यात करके सारे अनुभव रूप करके वेख लिया है। तनासरी महला पंजवा, जदों धन श्री गुरु अर्जन देव जी नूं बाबा बुढ़ा साहेब लाहौर तों श्री अमृतसर साहब लियाए सन, उस वक्त सतगुरां दा श्रेष्ठ जना दी संगत दा उपकार शब्द उचारण करके दसदे हन। गुरु अर्जन देव महाराज जी, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन सहोए आए। जब ते दर्शन भेटे साधु, हे भाई जदों तो सानू श्रेष्ठ सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी संत जना की संगत के दर्शन दीदार होए मिले प्राप्त होए हन, भले दिन सोए आए। ओ दिन तो साढ़े चंगे दिन आ गए हैं,
श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान वाले दिन आ गए हैं। महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए, महा आनंद सदा कर कीर्तन। परमानंद की प्राप्ति हुई है अते सदीव काल कीर्तन हरि जस करके पुरख विधाता पाए, पूर्ण विधाता फल प्रदाता स्वरूप सतगुरु परमेश्वर नूं प्राप्त कर लिया है। अब मोहे राम जसो मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो। हे भाई हुण मैं भाव मेरे मन ने परमेश्वर दे कीर्तन नूं जस नूं हिरदे करके गाउणा कीता है, तां भयो प्रगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ। भयो प्रगास सदा सुख मन मह, सानू परोख ज्ञान प्राप्त हो गया है अते मन विच हमेशा आनंद प्राप्त होया है। सतगुर पूरा पायो क्योंकि असीं पूर्ण सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी नूं पाया है। गुण निधान रिद भीतर वसिया तां दुख भरम भउ भागा, गुण निधान रिद भीतर वसिया। हे भाई जदों सतगुरां दी कृपा द्वारा शुभ गुणा दा खजाना परमेश्वर साढ़े हिरदे विच वस गया तां दुख भरम भउ भागा, तदों जमन मरन दा दुख सरूप दा भुलेखा ते काल दा डर आदि सब भज के नस गए हन। भई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा, राम नाम रंग लागा। परमेश्वर दे नाम विच प्रेम लगने करके भई प्राप्त वस्त अगोचर, इंद्रियां दे अविशे आत्मक वस्तु दी प्राप्ति हुई है। चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोह थाका, चिंत अचिंता सोच असोचा जेड़ी विपता आउण वाले आउण वेले मन दी बहबल हालत हो जांदी सी, उन्हां सारियां चितावां तों बेफिक्र हो गए हाँ। सोचा 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 तो असोच हो गए हाँ। जेड़ियां संसारक सोचा सोचनिया सी उन्हां सोचा तो रहत हो गए हाँ। जो पहला मन मन विचारा होया फिरदा सी हुण विचारवान हो गया है, हुण अपवित्रताई तो रहत होके पवित्र हो गए हाँ। भाव हुण मन विषयां दी वासना करके अपवित्र नहीं हुंदा सगों पवित्र हो गया है। सोग लोभ मोह थाका पदार्थां दे विछड़ने दा गम, पदार्थां दे जोड़न दा लोभ लालच ते शरीरां दा मोह स्नेह आदि भी थक गया खपत हो गया है। हम मैं रोग मिटे किरपाते जामते भये विबाका, हम मैं रोग मिटे किरपाते हंगता ममता दे रोग भी सतगुरां दी कृपा करन तों मिट गए हन। जामते भये विबाका अते जमा तों भी बेखौफ निडर हो गए हां। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी,
गुर की टहल गुरु की सेवा। शरीर करके सतगुरां दी सेवा करदे हां, बाणी करके सतगुरु साहब जी दी भगती रूप सेवा खिदमत टहल करदे हां। गुर की आग्या पाणी, जेड़ा मन तो आपा भाव मेट के सब कुछ गुरां दा समझना है, ये मन करके सानू गुरु साहब जी की रजा मननी भा गई है। जेड़ी सतगुरां दी मन बाणी शरीर करके आग्या मननी पौनी है, एहो ही गुरां दी टहर ते एहो ही गुरां दी सेवा है। कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुरबाणी। कहो नानक जिन जमते काढे, सतगुरु जी कथन करते हैं कि जिस सतगुरां ने सानू जमा दे फाहे तो काढ के मुक्त रूपी किनारे ते पहुंचा दिता है, तिस गुर कै कुरबाणी। उस सतगुरां दे उपरों असी मन बाणी शरीर करके बलिहार जांदे हां। तनासरी महला पंजवा, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। जिसका तन मन धन सब तिसका, जिस वाहिगुरु का तन स्थूल शरीर मन सूखम शरीर दिता होया है, उसे गुरु का सारा धन वर्तन वास्ते दिता होया है। सोई सुगड़ सुजानी, उही अंतरजामी आप ही पंजां तत्तां दियां शुभ गुणा दियां श्रेष्ठ घाड़ता घड़न वाला ते अंतरजामी सियाणा है। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौ बिद नीकी खटानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तिस वाहिगुरु ने ही मेरा दुख सुख सुनिया है। दुख दी निवृत्ति ते सुख दी प्राप्ति देण वास्ते साड़ी अर्ज नूं सुनिया है, तौ बिद नीकी खटानी। तदे ही सानू परमेश्वर नाल नेड़ता करन दी चंगी विधि मिली है, प्राप्त होई है। जी की एकै ही पहमानी, जी की एकै ही पहमानी। इस जीव दी हिरदे दी एक वाहिगुरु दे पास ही बेनती मनी जाती है। अबर जतन कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी रहा। अबर जतन कर रहे बहु तेरे, परमेश्वर दे नाम तो बिना जीव होर बहुत सारे कर्म उपासना ते नाना प्रकार दे देवी देवतियां दी पूजा करके जतन उपा कर रहे हन। तिन तिल नहीं कीमत जानी रहा, पर उन्होंने थोड़े मात्र भी वाहिगुरु की प्राप्ति रूप कीमत नहीं जानी। उन्होंने तिल मात्र भी गुरु की शरण पै तो बगैर जमण मरण तो जमा तो छुट्टण का कीमत मुल उका ही नहीं जाने। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मंतानी। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, परमेश्वर का नाम मृत्यु तो रहत करने वाला एक अमोलक मुल तो रहत अमोल रतन है। गुर दीनो मंतानी, जो सतगुरां ने सानू ए वाहिगुरु नाम रूप हीरा मंत्र रूप करके देना कीता है,
ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਡਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਪਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਜੋ ਬੀਜ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛੁ ਹੋਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ਓਏ ਜੋ ਬੀਜ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛੁ ਹੋਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰਬਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਬਗਤਾ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬੁਲਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਬੁਲਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਅਲਪਗਤਾ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਤੇ ਕਣਕ ਵਖਾਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਹਿਣੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਢਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆਂ ਜੋ ਡਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵਖਾਨੀ ਉਸ ਡਲੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਜਾਂ ਕੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਲਾ ਹੈ ਕਹੀਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਡਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਤੋਂ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣੇਗਾ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੁਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੁਭਾ ਜੋਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ
ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਰੂਪ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਘਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ, ਇਹ ਘਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੱਕੜੇ ਸਾ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।